इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिव फ्यूल्स जो यूज़ होते हैं IC इंजन में, मतलब SI इंजन और CI इंजन में। तो अल्टरनेटिव फ्यूल्स की आवश्यकता पड़ी क्यों, सबसे पहली बात ये आती है। जो फ्यूल यूज़ हो रहे थे इनमें क्यों क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से हमको इसका विकल्प तलाशना पड़ा, ये सारी चीज़ें अब हम आपसे बात करेंगे इस लेक्चर में और आने वाले एक दो लेक्चरों में। तो अब क्या है कि जो कन्वेंशनल फ्यूल है ना, कन्वेंशनल फ्यूल के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। तो जो कन्वेंशनल फ्यूल है उसमें वो क्या होता क्या है, आप लोगों को पता है, उसमें जो है 100 से ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। क्या होता है, जो कन्वेंशनल फ्यूल होता है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जिसमें करीब 100 से ज़्यादा कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स मिले हुए होते हैं। यूज़ होता था ये क्यों यूज़ होता था, क्योंकि इसकी जो है एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी सी मात्रा काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए पर्याप्त थी, थोड़ी सी मात्रा से बहुत सारी एनर्जी हम पा सकते थे, तो हाई एनर्जी डेंसिटी थी। ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट, आसानी से हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते थे, ला सकते थे। स्टोरेज और हैंडलिंग भी इसकी आसान थी। आप देख रहे थे कि आप इसको जो है पेट्रोल या डीजल को टैंकर्स के माध्यम से बड़े बड़े ट्रकों में भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, पहुंचाते हैं। जो ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स में आप लोग देखते हैं ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं वो इस तरीके के बनाए जाते हैं, टैंकर टाइप के, कि वो टैंकर ही टैंकर होते हैं उसके अंदर। तो एक साथ 150 टैंकर एक साथ इकट्ठा कर लिया और इंजन के थ्रू ने पहुंचा दिया जहां पहुंचाना था। वो 100 ट्रकों का काम एक अकेले एक एक, एक ट्रेन कर लेती है, अगर 100 इस तरीके के टैंकर्स लगे हुए हैं एक ट्रेन में। तो आसानी से, मतलब कहने का, हम इसको स्टोर करके और ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी हाई है, ये सारी इसकी खूबियाँ थी, खासियत कह लीजिए, कि जिसकी वजह से इसको काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते चले आ रहे हैं। और लेकिन फिर भी जो कंपोजिशन होता है वो अब असल में हमको इसमें करते क्या थे कि जब किसी भी मात्रा की जो उसमें जो भी मात्रा हमको कम या ज़्यादा करनी होती थी इंजन की एफिशिएंसी के हिसाब से, हम केमिकल कंपोजिशन को भी चेंज कर सकते थे। तो उसमें हमको जो पावर चाहिए या एफिशिएंसी चाहिए या एनवायरमेंटल इश्यूज जो भी हैं कि जो नॉक्स इमिशन ना हो, तो उसके लिए कौन कौन से एडिटिव डालने हैं, क्या डालना है, एडिटिव्स भी बहुत सारे होते थे, हमने आपको बताया है इसके पिछले वाले केसेस में। तो एडिटिव्स के यूज़ कर लेते थे, या पावर बढ़ाने के लिए हम उसको और ज़्यादा उसके स्टैंडर्ड को बढ़ा लेते थे, क्वालिटी इम्प्रूव कर लेते थे। लेकिन जो क्वालिटी होती है फ्यूल की क्वालिटी जो होती है वो चार तरीके से हम उसको चार स्टैंडर्ड पर हम एसेस करते हैं, जज करते हैं। कौन कौन से चार स्टैंडर्ड होते हैं वो ज़रा देखिए। चार स्टैंडर्ड जो होते हैं वो कंबशन परफॉर्मेंस एंड इमिशन। कंबशन परफॉर्मेंस क्या है, कितनी तेज़ी से उसका कंबशन होता है, और इमिशन होता है। दूसरी बात, इंजन सिस्टम्स इन्फ्लुएंस, कि जो इंजन सिस्टम है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कि इंजन सिस्टम पर जो है जैसे ही वो बर्न होता है तुरंत जो है इंजन वर्क करना शुरू कर देता है, या इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है किसी फ्यूल के कारण, किसी फ्यूल के कारण कम हो जाती है, या कुछ ऐसा समझिए। ट्रांसपोर्टेबिलिटी, कि हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या उसको ले जा पा रहे हैं, ये उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अच्छी क्वालिटी होगी, हम अच्छी क्वालिटी का उस फ्यूल को मानेंगे जिसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, और कितना ज़्यादा वो सेफ है,
एनवायरनमेंट के इशू को लेकर के, जहाँ यूज़ कर रहे हैं यूज़र के इशू को लेकर के, तो वो सारी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को देखते हुए कितना, किस तरीके से वो सेफ़ है। तो ये चार पैरामीटर हुए जिनके जिनके आधार पर फ्यूल की जो क्वालिटी होती है वो डिसाइड की जाती है। क्या क्या हो गया? फ्यूल कंबशन परफॉर्मेंस, इंजन सिस्टम इन्फ्लुएंस, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब हमको जो है इन आधार पर ये हुआ कि अगर अल्टरनेटिव फ्यूल्स चाहिए तो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हमको, भाई देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज़ ये आई कि हमको जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो था उसका, जो अभी जो फ्यूल यूज़ हो रहे थे, डीजल हो रहा था, पेट्रोल हो रहा था, तो पीछे के लेक्चर्स में हमने आपसे इसकी बात किया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड थे वो, हाइड्रोकार्बन्स और सल्फर की मात्रा, तो ये सब सारी चीज़ें जो क्या हो रही थी कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही थी, पार्टिकुलेट मैटर भी यूज़ हो रहा था वहाँ पर, इमिट हो रहा था, सूट फॉर्मेशन हो रहा था, तो तरह तरह की बीमारियां, उसके बारे में भी हमने बताया था कि कौन कौन सी बीमारियां आप देख रहे थे, दमा, अस्थमा और सांस की ज़्यादातर बीमारियां, लंग कैंसर, ये सब सारी चीज़ें सब इनसे हो रही थी। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जो एनवायरमेंट का पोल्यूशन था उसको कम करने के लिए ये हुआ कि साहब कुछ अल्टरनेटिव सोचा जाए, कुछ दूसरे तरीके के भी जो है विकल्प लिए जाएं, क्योंकि हमारे साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स ये थी कि भाई जो पेट्रोल और डीजल था उसकी जो है सप्लाई हमारे देश में बहुत ज़्यादा, हमारे देश में नहीं होती है, क्योंकि हम लोग उसको क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। तो बाहर से इम्पोर्ट करने पर हमारे देश की जो करेंसी होती है वो उसका लॉस होता है, वो जाती है वहाँ पर। तो उसको जो है उसको ध्यान रखते हुए कि भाई कोई अगर हमारे पास अल्टरनेटिव फ्यूल यहाँ पर मौजूद होगा तो हम जो है आयात कम करेंगे, जिससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो एनवायरमेंटल इशू के साथ, और फिर बाकी मान लीजिए सप्लाई के बारे में बात करें कि अगर कभी खाड़ी देशों में युद्ध होता है या उधर जो है कुछ संकट आता है किसी प्रकार का, तो जो फ्यूल की सप्लाई है होती है वो बाधित हो जाती है हमारे यहाँ, पेट्रोल डीजल फिर उस केस में बड़ा महंगा हो जाता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन है या जो यहाँ पर हमारे यहाँ जो भी तेल के कुएँ हैं बहुत ही सीमित मात्रा में हैं, वो हमारे देश की जो पूरी डिमांड है उसको पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है, बहुत ही कम सक्षम है। तो ज़्यादातर जो मात्रा जो होती है वो तो आयातित होती है, आयात की जाती है। तो ये बातें हैं। तो उसके लिए पहला विकल्प अगर हम बताएं अल्टरनेटिव फ्यूल में, तो एक विकल्प तो LPG का है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेकिन ये भी जो है, ये चूँकि विकल्प में क्या है, ये तो यूज़ होती है, ये भी इम्पोर्ट भी की जाती है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती क्या है, आप लोगों के घर में जो चूल्हे जल गैस वाले हैं उसमें जो है ये LPG यूज़ होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज़ होती है। क्या ये, क्या क्या इसके अंदर होता है, आइए बताएं हम आपको क्या क्या इसके अंदर होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा तो प्रोपेन की मात्रा होती है, 90% प्रोपेन होता है, 2.5% ब्यूटेन होता है, उसके बाद हेप्टेन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन छोटी छोटी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें होते हैं। लेकिन ज़्यादातर मात्रा अगर हम बोल दें तो प्रोपेन की होती है, फिर नंबर दो पर ब्यूटेन आ जाता है। तो अब जो अगर LPG के बारे में बात करें और उसको कंपेयर करें पेट्रोल और डीजल से, तो हम ये पाते हैं कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नॉक्स इमिशन जो होता है इसके थ्रू बहुत ही कम होता है तो अब जब पेट्रोल डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड और जो टॉक्सिक एमिशन है बहुत ही कम हो रहे हैं इसमें, तो ये कुल मिलाकर के उससे तो फिलहाल अच्छा विकल्प है ये पेट्रोल डीजल से। तो आप देख लीजिए कि बहुत सारे जो इस समय वाहन आ भी रहे हैं वो LPG में भी अब आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल को रिप्लेस करके वहाँ पर LPG किट लगाई गई है या साथ में लगाई गई है LPG किट।
प्रॉब्लम बस सिर्फ ये है कि जो एलपीजी के फिलिंग स्टेशंस हैं वो मिलते नहीं हैं जल्दी से। इंडिया में बिल्कुल अवेलेबल बहुत ही कम है, और जहाँ पर हैं वहाँ पर बहुत ही काफ़ी दूर दूर हैं, और फिर वहाँ पर भी अवेलेबिलिटी एलपीजी की पता नहीं उस समय हो कि ना हो जब आप वहाँ पहुँचें। तो उसके लिए ये अल्टरनेट ये फ्यूल की सप्लाई रखी जाती है उसमें, कि भाई अगर मान लीजिए एलपीजी नहीं है तो आप दूसरे मोड में स्विच हो जाइए, पेट्रोल डीजल भरा करके रखे रहिए जिस मोड जिसमें चल सकती है गाड़ी, पेट्रोल में या गैसोलीन में, तो आप उसमें चला लीजिए उसे जब एलपीजी ख़त्म हो जाए। तो इससे क्या होता है, इससे जो अगर एलपीजी में आप चला रहे हैं तो जो ठंडियों में गाड़ियों में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होती, इंजन में जो नॉकिंग की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और इंजन जो होता है बहुत ही स्मूथली रन करता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा बायोफ्यूल का भी जो है कॉन्सेप्ट आया। बायोफ्यूल का मतलब वेजिटेबल से, जो वेजिटेबल ऑयल से बनने वाले जो फ्यूल थे ज़्यादातर उनको यहाँ पर यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि देखते थे कि कैलोरीफिक वैल्यू उसमें भी होती थी, बस केवल डेंसिटी का कुछ चक्कर था उस केस में। तो यहाँ पर जो है क्लाइमेट जो चेंज हुई और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आया ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और नॉक्स एमिशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, तो उस केस में बायोडीजल को प्रेफर किया जाना उचित समझा गवर्नमेंट ने, और इस पर काफ़ी रिसर्चेस स्टार्ट हो गई। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा अगर हम कहें कि इसको फिजिबल या इकोनॉमिकल रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, है काफ़ी कुछ, काफ़ी हद तक हम लोगों ने उस पर अचीव तो किया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उस पर जो है भी और काम करना बाकी है। कह रहा है कि बट मोर चैलेंजेस लिमिटेड, क्या 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 चैलेंजेस हैं इसमें, इसमें कह रहा है कि लिमिटेड रॉ मटेरियल और सप्लाई होती है, रॉ मटेरियल बहुत कम होता है भाई, जिससे आप बनाओगे वो रॉ मटेरियल मिलेगा ही नहीं ज़्यादा भाई। वेजिटेबल के थ्रू जो है उसका ऑयल निकालने के लिए तो वो जो सीड्स होते हैं, वेजिटेबल सीड्स जो होते हैं या जो भी जिससे बन जा रहा है, जेट्रोफा से बन रहा है, किसी से बन रहा है, तो जेट्रोफा की जो है खेती उतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ होती नहीं है। और फिर तो ये चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए जेट्रोफा की खेती करोगे तो खाने पीने की खेती कहाँ से करोगे फिर, तो सबसे बड़ी बात ये है खाने पीने के सामान की खेती होती है हमारे यहाँ, जेट्रोफा की खेती नहीं होती है। जहाँ हो रही है वहाँ पर आप सीड्स अवेलेबल हैं, आप उनसे आप बनाइए, कोशिश करिए बायोडीजल बना सकते हैं उससे आप। प्रोडक्शन प्रोसेस आसान नहीं होता, कठिन होता है, प्रोडक्शन साइट्स जो हैं बहुत ही कम हैं, जब प्रोडक्ट सारी चीज़ें भी तो रिसर्च चली रही, तो प्रोडक्शन साइट का उस समय सवाल ही नहीं उठता है, बहुत ही थोड़ी बहुत जगहों पर देखने को मिलेंगी, जहाँ पर रिसर्च एरिया है वहाँ पर तो मिलेंगी ही मिलेंगी। हम गए थे अभी कुछ दिन पहले IIT कानपुर में, तो इंजन रिसर्च लैब ERL में हम वहाँ पर गए, तो डॉक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल सर हैं वो चलाते हैं उस वहाँ पर, पूरा उनके अंडर में सारे प्रोजेक्ट चलते हैं उसके, और बायोडीजल का प्रोजेक्ट भी वहाँ पर चल रहा है, हमने देखा वो काफ़ी अच्छा उन्होंने काम वहाँ पर किया है और करवाया है बच्चों से, उनके जो रिसर्च में जो लोग वहाँ पर एनरोल्ड हैं, और काफ़ी अच्छी वहाँ पर जो है, क्योंकि उन्होंने एक देखा कि बायोडीजल से चलने वाली उन्होंने एक स्कॉर्पियो खड़ी कर रखी थी, दिखाया था केवल प्योर बायोडीजल से चलती थी, और उस पर जो है उन्होंने काफ़ी काम किया, और उस इंजन को जो है उन्होंने बायोडीजल से चलाया जो पहले कन्वेंशनल फ्यूल से चलता था। ये सारी चीज़ें थी उसमें। आप कभी जाइएगा IIT कानपुर तो ERL में विज़िट करिएगा तो वहाँ पता चल जाएगा आपको सारी चीज़ें कि डॉक्टर अग्रवाल सर ने क्या क्या काम किया वहाँ पर है। तो इसलिए क्या हो रहा है, तो इसीलिए जो रिप्लेसमेंट है बहुत ही ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट है, बहुत तेज़ी से नहीं रिप्लेस हो रहा है। बट बायो बेस्ड फ्यूल विल हैव पोटेंशियल टू बी ब्लेंडेड टू इन टू एग्जिस्टिंग फ्यूल इन ऑर्डर टू मीट द फ्यूल डिमांड। ये हम करते क्या है कि जब पूरी तरीके से नहीं उसको कर सकते तो हम इतना भी करते हैं कि अगर थोड़ी मात्रा में भी बन रहा है बायोफ्यूल, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो इतना हम कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल बेस्ड फ्यूल होते हैं, इथेनॉल वगैरह को भी ऐसा किया जा रहा है कई शहरों में, उनको पेट्रोल या डीजल के साथ मिक्स कर दिया जा रहा है, और मिक्स करने के साथ तब फिर उनको जो है चलाया जाता है, और वो वहीं से ही परफॉर्म करते हैं जैसे कन्वेंशनल फ्यूल परफॉर्म करता है, वो डीजल और पेट्रोल के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं। तो बायोडीजल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। बायोडीजल को हम जो बोलते हैं फैटी एसिड मेथिल ईस्टर, उसका जो केमिकल नाम होता है फैटी एसिड मेथिल ईस्टर, तो उसको हम जो है FAME
इसकी शॉर्ट फॉर्म में FAME भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, बहुत बड़ी बड़ी शहरों में सबसे ज़्यादा जो है डिमांड है इसकी, और क्योंकि वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। तो बायोडीजल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि अच्छा इसकी जो है ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं ये पेट्रोल और डीजल के साथ, सॉरी डीजल के साथ मिक्स करके इसको जो है यूज़ किया जा रहा है, कहीं कहीं 7%, कहीं कहीं पर जो है 10%, 30%, और कहीं कहीं 100% तक भी इसको यूज़ कर लेते हैं जहाँ अवेलेबिलिटी होती है उसके हिसाब से। तो ये है उसका। तो फेम्स आर टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाई एल्कली कैटलाइज्ड रिएक्शन बिटवीन फैट्स एंड मिथेनॉल। फैट्स और मिथेनॉल की जो एल्कली कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये जो है उसमें बनाए जाते हैं। तो बायोडीजल के बारे में आपने काफ़ी कुछ देखा, यहाँ पर हमने बताया आपको, अब आप आगे भी बताएंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे और कुछ कन्वेंशनल फ्यूल्स के बारे में अभी हम इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आपको ताकि समझ में आ जाए कि जो हमारे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं वो किस किस तरीके से हैं, और हम जो है जो बायोडीजल है या बायोफ्यूल्स है वो कितने ज़्यादा हम लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल फ्यूल्स। आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।